नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब गिविंग ब्लो बाय एडिंग टी आई ओ एन टू देम। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे वर्ब्स हैं जिसमें हमने टी आई ओ एन का जो एडिशन करना है और हमने फिर उसे नाउन में कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल दी गई है रिड्यूस, रिड्यूस पे जब हम टी आई ओ एन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन के इसी तरह से अब हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कलेक्ट में जब आपने टी आई ओ एन ऐड करना है तो वो बन जाएगा कलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंजर्व में आपने टी आई ओ एन लगाना है तो वो बन जाएगा कंजर्वेशन। थर्ड वर्ड है हमारे पास सेलिब्रेट में आपने टी आई ओ एन ऐड करना है तो वो बन जाएगा सेलिब्रेशन। फोर्थ वर्ड है पोल्यूट कहते हैं आलूदा को, तो इसमें जब आप टी आई ओ एन लगाएंगे तो वो बन जाएगा पोल्यूशन। फिफ्थ वर्ड हमारे पास है करेक्ट में आपने टी आई ओ एन लगाना तो वो बन जाएगा करेक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास देखें है सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब हमने बताना है कि एडजेक्टिव्स कहते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी को, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब हमने इन सेंटेंसेज में से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट हमारे पास है देयर इज़ ए लिटल होप डैट पाकिस्तान विल विन द मैच। मुझे थोड़ी सी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। इसमें जो लिटल है वो क्वांटिटी है, यानी कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो लिटल को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि ये हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज़ नो मनी इन हिज पर्स। तो इसमें नो मनी यानी कि नो नहीं है, मिकदार यानी कि क्वांटिटी नहीं है, तो अब हमने इसे नो को आपने अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। अब सम राइस जो सम है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है ही कुड नॉट ईट एनी वेजिटेबल्स, वो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता, या एनी कोई भी, क्योंकि ये क्वांटिटी ही बताई जा रही है तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है एनी को। नेक्स्ट हमारे पास है ही हैज़ इनफ वार्म क्लॉथ्स टू स्पेंड द विंटर्स। अब हमारे पास इनफ यानी कि काफ़ी हैं, तो एक इनफ को आपने अंडरलाइन करना है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है आई हैव ए फ्यू स्टैम्प्स, अ फ्यू यानी कि थोड़ी सी, तो फ्यू को आपने अंडरलाइन करना है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है द टीचर विल रीड अ पोएम लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमने आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट हमारे पास है विच डिफरेंट प्लेसेस टू डू एनिमल लिव, मुख्तलिफ जगहें बतानी जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो इसका आंसर है एनिमल्स लिव्ड इन वाटर एंड लैंड, जानवर जो है वो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। व्हाट डू वेल्स डू टू लुक फॉर फूड, तो इसका आंसर है डिव डीप टू टेक फॉर फूड, ठीक है। थर्ड हमारे पास है व्हाई डू बीज बूज टू लुक फॉर फ्लावर्स, अब हमने बताना है कि मक्खियाँ जो हैं वो फूलों को देख के क्यों भिनभिनाती हैं। तो इसका आंसर है गैदरिंग नेक्टर हैप्पीली, क्योंकि वो फूलों में से रस खुशी से फूलों में से रस चूसती हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, ऑल द एनिमल्स कैन फ्लाई, तो ये फॉल्स है, तमाम जानवर फ्लाइंग नहीं करते। बी हमारे पास है एनिमल्स होप जंप क्लेम एंड रन, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि जानवर जो है वो दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, जंप भी करते हैं, छलांगे लगाते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है, आपने इसको चूज़ कर लेना है। थर्ड है हमारे पास बिगर एनिमल्स क्रल एंड इन द रॉक फॉर शेडी प्लेस टू ले होता है लेटना, और क्रल होता है पेट के बल रेंगना, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि जो बड़े जानवर होते हैं वो अपने पेट के बल रेंगते हैं और आराम करते हैं सायेदार जगहों पर, तो ये ट्रू है, तो आपने इसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स स्पीक फाइव सेंटेंसेस ऑन हु वी कैन सेव वाटर। अब ये स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है कि स्टूडेंट्स ने अपने ही वर्ड्स में बताना है कि पानी को कैसे महफूज किया जा सकता है, ये स्टूडेंट ने खुद ये एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी देखें, वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बैंक गिवन बिलो। अब हमारे पास वर्ड बैंक दिया गया है, उसमें से हमने वर्ड्स को चूज़ करना है और फिलिंग इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। थिंग्स शेड फ्रेंड्स ट्रीज मेडिसन वेजिटेबल फूड फ्रूट एंड एयर, ये हमारे पास वर्ड हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स है ट्रीज आर आवर डैश, ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, दे गिव अस मैनी यूजफुल डैश, दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, दो दरख्त हमारे दोस्त हैं और वो हमें बहुत सी फायदेमंद चीज़ें देते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स
बिल्ट देयर हाउस इन डैश, परिंदे और कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपने घर बनाते हैं दरख्तों पर, दे वेरी ट्रेवलर्स कैन रेस्ट इन द डैश, जो मुसाफिर होते हैं राहगीर होते हैं वो इनके साए के नीचे आराम करते हैं, वे गेट वुड, वुड का डब्ल्यू राइट किया हुआ है, डबल ओ डी आपने खुद राइट करना है, मेडिसन, मेडिसन का एम राइट किया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड्स आपने खुद राइट करने हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं आपके लिए, फ्रूट का एफ राइट किया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड जो है आर यू आई टी ये आपने यहाँ पे हमने खुद राइट करना है, एंड वेजिटेबल का वी राइट किया हुआ है और आगे ई जी ई टी ए बी एल ई हमने खुद राइट करना है, फ्रॉम प्लांट्स हम लकड़ी, अद्वियात, फल और सब्जियाँ हासिल करते हैं पौधों से, ट्रीज प्योरीफाई द डैश देयर वाज ब्रिथ, अब जो दरख्त हैं वो हवा को साफ़ करते हैं हमारे सांस लेने के लिए, तो इसका आंसर है एयर, आपने यहाँ पे एयर राइट करना है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, एक्सरसाइज के लास्ट पे आपने आज की डेट 18 सितंबर 2020 ज़रूर राइट करनी है, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।